तो दोस्तों इस समय की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे और आपको बता दें 1 लाख से ज्यादा महिलाओं को सरकारी नौकरी। श्रम एवं सेवा योजन मंत्री जी की तरफ से एक बड़ी अपडेट आ रही है। एक और दोस्तों बड़ी खबर देख सकते हैं, तेजस्वी यादव जी का ट्वीट आया है कि आज मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने एवं तय समय सीमा के अंदर चरणबद्ध तरीके से अविलंब शिक्षकों के 2 लाख रिक्त पदों पर बहाली करने का निर्देश दिया ताकि छात्र छात्राओं के पठन पाठन में कोई दिक्कत ना हो। तो आप दोस्तों देख सकते हैं ये तेजस्वी यादव की तरफ से एक बहुत ही बड़ा ट्वीट आया है और एक बड़ी खुशखबरी है। लेकिन उत्तर प्रदेश में वैकेंसी कब आएगी गाइस, अभी इसको लेकर ऑफिशियल अपडेट नहीं आ रही है। एक और खबर आप देख सकते हैं, कांग्रेस ने ट्वीट किया भैया कि यूपी के मतलब क्लास 1 से लेकर 8 तक के सरकारी स्कूलों में 63,000 से ज्यादा टीचर के पद खाली है। ग्रामीण स्कूलों में 51,112 टीचर के पद खाली हैं, शहरी स्कूलों में 12,149 टीचर के पद खाली। बीजेपी सरकार में ना तो रोजगार मिलेगा ना शिक्षा मिलेगी, मिलेगा तो सिर्फ प्रचार, खोखला प्रचार। ये कांग्रेस की तरफ से ट्वीट आया है। तो हर एक अपडेट को हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। उसके बाद दोस्तों एक देखिए, एमपी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट एमपी की तरफ से एक ट्वीट आता है कि प्रदेश में 18,527 पदों पर होगी प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती। तो गाइस अब टीचर की वैकेंसी आ रही है, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं शिक्षक भर्ती की, तो वीडियो को पहले आप लोग अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। शेयर क्यों करना है, बिहार में दोस्तों बड़ी अपडेट आ गई, वैकेंसी की बात हो गई है। मध्य प्रदेश में दोस्तों वैकेंसी आने वाली है, तो सीधी सी बात है अगला राज्य हमारा उत्तर प्रदेश होगा जहां पर सबसे बड़ी शिक्षक भर्ती आपको देखने को मिलेगी। अब आपके मन में एक ही सवाल होगा जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, बीएड वर्सेस बीटीसी सुप्रीम कोर्ट की अपडेट। जी हाँ दोस्तों, अगर बीएड के छात्रों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया या सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ पाया तब क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में या यूपी टेट का जो हमारा पेपर हुआ है, ठीक है, तो उसका जो रिजल्ट आया था वहां पर बीएड छात्रों का जो प्रमाण पत्र है या सर्टिफिकेट अभी वो नहीं दिया गया, ठीक है, तो उनका भी छपा भी नहीं है, लेकिन बीएड छात्रों का हो गया। जल्दी दोस्तों डायरेक्ट से वो आपको मिलने भी लगेगा। जानिए अपना गुणांक, सेफ जोन के हर एक अपडेट हम इस वीडियो में देखेंगे। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप, तो हर एक अपडेट बताएंगे। जरा इस अपडेट को पहले देखते हैं। विधानसभा में सपा की पूजा ने बेरोजगारों को नौकरी देने का सरकार ने वायदा पूरा नहीं किया, तो इससे इनकार करते हुए श्रम एवं सेवा योजन मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि वर्ष 2017 से अब तक 7 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी गई है, इनमें 1 लाख से ज्यादा महिलाएं। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये सब बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं। विधानसभा में गुरुवार को काम रोको प्रस्ताव के तहत पूजा ने बढ़ती बेरोजगारी का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक की वजह या अदालत में मामला लंबित होने की वजह से भर्तियां नहीं हो पा रही हैं। तो ये सब दोस्तों बड़ी बड़ी खबरें हैं, हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन याद रखिए, शिक्षक भर्ती को लेकर ये बड़ी खुशखबरी है। वीडियो को आप लोग को अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक पहुंचाना है, और याद रखिए जितनी ज्यादा शेयरिंग होगी, जितना सोशल मीडिया पर दबाव बनेगा सरकार पर वैकेंसी निकालने को, तभी वैकेंसी आएगी। एक बात लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण यह है कि अगर वैकेंसी आ जाती है और जिन बच्चों का टेट क्लियर नहीं है, तो वो बच्चे शिक्षक भर्ती में एलिजिबल नहीं होंगे। बिना टेट पास किए आपको शिक्षक भर्ती का फॉर्म या आवेदन करने का मौका नहीं मिल पाएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।